हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2018 का जूलॉजी टेस्ट पेपर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और 91 से 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रेंस में और ये 91 से 100 लास्ट सेशन है इस पेपर का जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत आसान छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, आप इनको देख सकते हो, इजी होते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 91 डिस्कस करते हैं कि एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी लाइट टू एटीएनएम बाय अ प्रोटीन इज लार्जली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। एब्जॉर्बेंस टू एटी पर कोई भी प्रोटीन क्यों शो करेगी? क्योंकि उसके अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि एरोमेटिक है और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स ही यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 280 पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। यानी उन अमीनो एसिड्स के अंदर जो आर ग्रुप होगा वो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। और ऐसा ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है? सेकंड। तो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑयल ग्लैंड्स इन मैमिलियन स्किन्स सिक्रीट ऑयल। ऑयल का सिक्रीशन मैमिलियन स्किन में कैसे होता है? ये एक तरीके का होलोक्राइन सिक्रीशन है, जहां पर यानी इसको एक्सोक्राइन की कैटेगरी में रखा जा सकता है कि जहां पर कोई ग्लैंड किसी पाइप के अंदर सिक्रीशन करती है उसको एक्सोक्राइन सिक्रीशन कहा जाता है। और पाइप के अंदर सिक्रीशन, इसी तरीके का होलोक्राइन सिक्रीशन भी इसी को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ऑस्मोसिस नहीं होगा, एपोक्राइन सिक्रीशन नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिक्रीशन हो रहा है और वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। दिस इज अ टाइप ऑफ होलोक्राइन सिक्रीशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें सिक्रीट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड इन द एवोल्यूशन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट। जब वाटर से एवोल्यूशन हो रहा था और वाटर से ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर दिए, तो वर्टिब्रेट कौन से एरा में मूवमेंट उनका हुआ था, कौन से ड्यूरेशन में? ड्यूरेशन को कहा जाता है डेवोनियन। ठीक है, इसके अंदर एवोल्यूशन हुआ था या ट्रांजिशन कह लो हुआ था कि वाटर से लैंड की तरफ माइग्रेट हुए थे वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट, द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीसेंट ईयर्स इज मोस्टली ड्यू टू। रीसेंट ईयर में बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हुआ है वो ज्यादातर किस वजह से हुआ है ये आप सब जानते हो। इतने फॉरेस्ट में आग लग जा रही है, इतना ज्यादा फायर हो रहा है, आप देख रहे हो चारों तरफ वर्ल्ड में। इससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटेट हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अलग बात है, पर सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है अभी रिसेंट ईयर में, इतनी तेजी से हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, और ये कंसर्न की बात है, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए तो ह्यूमन ने इतने हैबिटेट सबके डिस्ट्रक्ट किए, अब एक पैंडेमिक आ गया है जो ह्यूमन को डिस्ट्रक्ट करने जा रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतना साइंस पढ़ रहे हो, ऐसे साइंटिस्ट देखो, कभी ना कभी कोई ना कोई वैक्सीन बनाएगा ही बनाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केल्स इन द शार्क बिलोंग टू द टाइप। प्लैक्वाइड होते हैं स्केल्स, आपको अगर पता हो कि आपने पढ़े हो स्केल्स के बारे में, तो ये टिपिकल क्वेश्चंस में आते हैं। प्लैक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं शार्क के अंदर, शार्क की स्किन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ट्यूनिकेट्स मेक रेफरेंस टू यूरोकॉर्डेट टेस्ट और ट्यूनिक विच इज कंपोज्ड ऑफ। यूरोकॉर्डेट, आप मेरे पीछे डायग्राम देख रहे हो, इसमें जो आउटर जो लेयर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। ठीक है, यूरोकॉर्डेट है, लेदरी लेयर जो दिखाई दे रही है इसकी वो किसकी बनी है? सेलुलोज की। ये सेलुलोज का बना होता है लेयर इसका।
ये ट्यूनिकेट्स का डायग्राम है जो मैंने अपने पीछे बनाया हुआ है. नेक्स्ट, द नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. किसके अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है. ट्यूनिकेट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज ट्यूनिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल वुड यू एक्सपेक्ट द डीएनए टू बी लीस्ट कॉम्पैक्ट. लीस्ट कॉम्पैक्टेशन डीएनए का कहां पर होगा, कौन सी स्टेज में होगा? डीएनए का उस जगह पर लीस्ट कॉम्पैक्टेशन होगा जहां पर डीएनए की अनकॉइलिंग हो गई होगी, और सबसे ज्यादा डीएनए की अनकॉइलिंग या डीएनए को ओपन कर दिया जाता है कहां पर, किस फेज में? एस फेज में, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा होगा, और रेप्लिकेशन चलने के लिए तो आप जानते ही हो कि उसको कैसे ओपन किया जाता है. सभी लगे होंगे वहां पर, टोपो आइसोमरेज काम कर रहा होगा, हेलिकेज काम कर रहे होंगे, और डीएनए की रेप्लिकेट बना रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा अनकॉइलिंग डीएनए को किया जाएगा. तो एस फेज इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड. बाकी कहीं पर ऐसा इतना ज्यादा अनकॉइलिंग नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एन ए डी पी जनरेट कहां होता है? ये होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जनरेट. ये तो सिंपल सा सवाल था, मेटाबॉलिक पाथवे अगर पढ़ते हो तो एनएडीपी यहीं पर जनरेट, यही इसी के लिए तो जाना जाता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. थर्ड ऑप्शन इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट एंड द 100th क्वेश्चन इज, हीमोफीलिया और ब्लीडर डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस. ऐसा कोई डिफेक्टिव जीन है जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन इनमें से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और उस प्रोटीन के ना होने की वजह से हीमोफीलिया हो जा रहा है. ऐसी प्रोटीन जो क्लॉटिंग में मदद करे. अब यहां पर तो क्लॉटिंग में ज्यादातर प्रोटीन मदद कर रहे हैं, ज्यादातर फैक्टर्स मदद कर रहे हैं, पर देखो हीमोफीलिया इनमें से किसके कारण होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है. हीमोफीलिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया टाइप ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पर उनमें से एक टाइप ऐसा है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन में म्यूटेशन होने की वजह से बेसिकली होता है. बाकी हीमोफीलिया जो कॉमन हीमोफीलिया या रॉयल हीमोफीलिया, वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर में म्यूटेशन होने की वजह से होता था जो एक्स लिंक्ड होते थे. यहाँ पर जो हीमोफीलिया, क्योंकि एंटो हीमोफीलिक फैक्टर दे नहीं रखा है, इसलिए आपको जो टिक करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इनमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि इनमें यही ऑप्शन है जो जिसके डिफेक्ट की वजह से हीमोफीलिया हो सकता है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सो थैंक यू. उम्मीद है कि आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे और आपने इसको अच्छे से अटेंड किया होगा ये सेशन. ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. जो कॉमन चीज़ें हैं वो ज़्यादा लॉजिकल पूछी गई हैं डीयू के एंट्रेंस टेस्ट में, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस में. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हो. प्रैक्टिस और कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. थैंक यू. ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा.